हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था तो करते करते एक पोस्ट मेरे सामने आई जहाँ पे एक बच्चा बहुत डिप्रेस था, तो उसने अपना गुस्सा लिंक्डइन पे शेयर कर दिया। तो लड़के का नाम है कृत आज्ञा सिंह, बट कृत आज्ञा इस बात से नाराज हैं क्योंकि असेंचर ने उनको ऑफर लेटर तो दे दिया बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारे ईमेल करे एचआर को, सेवरल टिकट रेस करी, बट उनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। तो वो चाहते हैं कि नेसेसरी एक्शंस लिया जाए इसके ऊपर और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कृतज्ञ को, वेलकम टू दी कॉर्पोरेट। ठीक है, चलो, अच्छा हुआ तुमको पता चल गया कि रियलिटी क्या है, क्योंकि ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी। ओके, कुछ लोगों को तो ऑफर लेटर मिल जाता है बट असली में जाके, अंदर जाके रियलिटी पता चलती है। तुमको यहीं से पता चल गया कि ये बिगनिंग है भैया। ओके, समझ गए। इन्होंने सितंबर अपना 2023 का स्क्रीनशॉट लगा दिया, पूरी नाराजगी जता दी। और मुझे इस बात पे ज्यादा शॉक लगा कि इनको प्रवोक करने वाले वो सब लोग थे जो जॉब नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो एक अच्छी एडवाइस देते हैं, जो जॉब नहीं करते वो प्रवोक करते हैं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में देख ही सकते हो। तो अभिषेक ने पहले तो बोला कि भैया मेरे साथ भी यही हुआ था, 10 महीने तक इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। फिर अंशु दे, जो असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर है, इन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी। इन्होंने सिर्फ इन शॉर्ट में यही बोला कि तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, तुम कंपनी के भरोसे क्यों बैठे हो, तुम्हें पता है जब वहां से ज्वाइनिंग आ नहीं रही तो तुम क्या मतलब घर पे बैठ जाओगे, है ये सोच के कि अरे आ जाएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, एमएनसी है। अरे भाई नहीं, जब तुम पैसा तुमको चाहिए कि कंपनी को चाहिए, तुमको चाहिए ना सैलरी, तो तुमको ट्राई करना चाहिए था, तुमको ऑफ कैंपस ट्राई करना चाहिए था। जब इतने सारे क्रिएटर्स तुम्हारे लिए पोस्ट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ओके, तो तुमने उनकी वीडियोस क्यों नहीं देखी, जॉब्स में क्यों नहीं अप्लाई किया। फॉर अ फ्रेशर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारे पोस्ट करने से कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो बेटर यही है कि तुम दूसरी जॉब ढूंढो। पर्सनल लाइफ के साथ समझाऊं, मान के चलो तुम्हारे घर पे एक दोजी आता दूध देने, 2 दिन नहीं आया, ठीक है, तो तुम दूध पीना बंद कर दोगे। मान के चलो तुमने काम वाली रखी हुई है, मेड है तुम्हारे घर पे, ठीक है, सफाई करने नहीं आई 2 दिन 3 दिन, घर की साफ सफाई करनी बंद कर दोगे। कुक रखा हुआ है, कुक नहीं, घर पे खाना बनाना है तो खाना खाना बंद कर दोगे, चेंज करोगे ना। तो उसी तरह तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया कंपनी में जब तुमको पता कि यहां से आ नहीं रही, रिप्लाई नहीं आ रहा। गुस्सा आता है ना जब तुम्हारी मेड नहीं आती, वो सब नहीं होता। तो बस फिर तुम सेम, तुम्हारे साथ भी सेम ही कंडीशन है, बस वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है। ओके, सेकेंड उन्होंने बोला कि भैया ऐसे किसी बड़ी कंपनी को, रेपुटेड कंपनी को सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आते। ओके, इससे कंपनी को एक तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है डिफेमेशन का। ओके, कि तुम हमको फालतू में बदनाम कर रहे हो। बिकॉज मैंने एक पोस्ट एक कमेंट ये भी पढ़ा था, उस बंदे ने ये भी लिखा था कि कुछ कंपनीज का लिखा होता है बकायदा कि ये ऑफर लेटर सिर्फ 6 महीने तक वैलिड है, अगर आपको उसके अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो ना। इट्स नॉट असेंचर, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी ऐसे करती है यार। इंफोसिस में एक एक साल के बाद भी ज्वाइनिंग मिली है 2022 2023 में। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी। तो ऐसे कुछ बोल के फायदा नहीं है, ये तो जस्ट अभी एमएनसी यार, कल को स्टार्टअप के बारे में बोलोगे ना तुमको तो सच में कोर्ट पे ले आएगी वो। ओके, क्योंकि उनको होता है कि भाई तुमने क्यों बोल दिया। फिर वो मेरा देख चुका हूँ, मैं तो देख चुका हूँ, ये लिंक्डइन मैं चलाता रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, मुझे तो पता है। अब ये देखो लास्ट पोस्ट बताता हूँ, प्रवोक करते हैं लोग। ऐश्वर्या मिश्रा देखो, लिखो जस्ट बिहेव, जस्ट असेंचर प्लीज बिहेव लाइक अ रिप्यूटेड कंपनी, डू यू थिंक धंधा मंदा चल रहा है, दैट्स व्हाई यू आर ऑफरिंग जॉब्स टू द पीपल एंड नॉट हायरिंग देम। ओके, ही इज ऑल्सो सॉन्ग एंड स्टोरी राइटर है, तो इसको तो टेंशन चाहिए, जॉब किसको चाहिए, तुमको चाहिए ना। तो ऐसे लोग आके देखो प्रवोक करेंगे, तुम चढ़ोगे। पीपल आर नॉट योर स्लेव्स हु विल कीप वेटिंग फॉर यू, तो कंपनी ने कब बोला वेट करो, जाओ ना दूसरी ढूंढो जॉब। ट्रीट देम लाइक स्पेशल वंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी को फ्रेशर से सबसे कम एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज उनको काम सिखाना होता है, क्लाइंट से वहां से इतना पैसा नहीं बनता है जितना एक एक्सपीरियंस बंदे से बनता है, इसलिए। और ऊपर से फ्रेशर एक्सपीरियंस लोगों ने इतनी सैलरी मांग ली है कि उसका इम्पैक्ट आना ही था फ्रेशर को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, तुमको नहीं मिली, तुम्हारा हार्ड लक है। तो तुमको ट्राई करना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना, और छोटी कंपनीज में, मिड साइज कंपनीज में ट्राई करना, और ऑफ कैंपस भी ट्राई करना। टीसीएस एनक्यूटी आ गया, अप्रैल में होने वाला, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है। सो ऑल दिस पॉइंट्स, ऐसे लोगों की लग लगाई पे मत आ जाया करो, ऐसे पोस्ट मत डाला करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लेना इसके ऊपर, कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर अच्छी वीडियोस बनाई है, देख लेना, तुम्हारे काम आएगी। ओके जी, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, दुआ में याद रखना।